रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और दिल्ली में जो यूक्रेन एम्बेसी है वसंत विहार में, वहां पर लोगों ने यूक्रेन में शांति बनी रहे इसके लिए यहां पर अपनी श्रद्धांजलि दी है। ये आप तस्वीरें देखिए, हर तस्वीर एक खूबसूरत चीज़ बयां कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए यहां पे कितने सॉफ्ट टॉयज रखे हैं, वहां पे हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जंग चल रही है और लगातार जो वहां के लोग हैं वो परेशानी में है। ऐसे में यूक्रेन एम्बेसी के बाहर लोगों ने शांति की अपील करते हुए यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पे देखिए किस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं, पुतिन गेट आउट ऑफ यूक्रेन, जिस तरीके से लगातार रूस बम्बार्डिंग कर रहा है, वहाँ पे धमाकों की आवाज़ आ रही है, वहाँ से स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कराया जा रहा है। इस बीच ये तस्वीर बेहद ख़ास है, यहाँ पर कुछ कैंडल्स जो हैं वो भी जो लोग मारे गए हैं और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जलाई है। और जो इस यूक्रेन एम्बेसी के अंदर जो मौजूदा अधिकारी हैं उन्होंने भी अपना रोष व्यक्त किया है, और इसी वजह से यहाँ पर ये जो तमाम बुकेज आप देख रहे हैं, हर पोस्टर एक अलग बात यहाँ पर कहता हुआ नज़र आ रहा है। Stand with Ukraine, hashtag stop the war, peace, mind, shanti. तमाम आप देखिए, Putin for the sake of the children, the future, please stop. Stop the war करके तमाम यहाँ पे पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। कुछ यहाँ पे आप देखिए पिक्चर्स भी हैं जो कि यूक्रेन में जिस तरीके से रूसी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं, consequences of Russian attack, यूक्रेन किंडरगार्डन, ये किंडरगार्डन की एक फ़ोटो यूक्रेन की जो है वो भी लगाई गई है, किस तरीके से पूरा जो किंडरगार्डन है वो तहस नहस हो गया है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है उसे लेकर यूक्रेन एम्बेसी में श्रद्धांजलि दी गई है और शांति की अपील की जा रही है। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।